Hey, what's going on, guys? And welcome back to the channel and welcome back to this another motocast video. So recently R15 version 4.0 launch ho chuke hai and I think it's very exciting motorcycle and bahut sare reviews aa chuke hai bike ke already and maine kuch reviews ko dekha and overall jo critic jo hai wo very positive hai is motorcycle ke regards mein from all over the media. एंड मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे वो परचेस करने वाले हैं R15 वर्जन 4.0 एंड आई थिंक दिस मोटरसाइकिल इज़ अ वेरी गुड यू नो ऑप्शन फॉर समवन हु इज जस्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू यू नो स्पोर्ट्स राइडिंग एंड ऑब्वियसली प्राइस जो है वो हाइक हो चुकी है वर्जन 3.0 के कंपैरिजन में बट फीचर सेट भी बढ़ गया है. And personally, if you ask me, I think R15 version 4.0 is better buy than even RC200. Even though you are getting more displacement engine in RC200, still I will take a refinement of Yamaha any day over KTM bikes. All right. So before talking about ki kyun is motorcycle mein traction control diya hua hai. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है एक टिपिकल मोटरसाइकिल में. ओके, सो टिपिकल मोटरसाइकिल में क्या होता है, दो तीन जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल कैरी आउट करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड सेंसर्स रहते हैं आगे के और पीछे के व्हील पे, जो भी अपना डिस्क ब्रेक रहता है उसके अंदर एक छोटी रिंग रहती है, तो उस रिंग के ऊपर एक सेंसर रहता है जो कि कॉन्स्टेंटली जो है वो आगे और पीछे के व्हील्स का जो व्हील स्पिन है वो मेजर करते रहता है. एंड सपोज आप ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर आपका रियर व्हील जो है वो ट्रैक्शन लूज कर देता है. सपोज आप जा रहे हैं रोड पर, ओके, एंड आपने मोटरसाइकिल को थोड़ा सा लीन कर दिया बिकॉज सामने जो है वो कॉर्नर है. एंड अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर कॉर्नर है वहीं पर कुछ यू नो ऑयल वगैरह गिरा हुआ है या फिर क्या कह सकते हैं हम, ग्रेवल है. तो अगर ग्रेवल या फिर ऑयल हो तो इजीली ट्रैक्शन तो लूज करेगी ही मोटरसाइकिल. एंड स्पेशली इफ़ यू आर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम दैट कॉर्नर देन इट इज़ इनविटेबल कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन लूज कर देगी. इन सच अ सिनेरियो क्या होता है कि जो व्हील स्पिन मेजर करने वाला जो सेंसर रहता है आगे के और पीछे के डिस्क के अंदर जो छोटी रिंग होते हैं वो जो सेंसर रहता है वो क्या करता है कि वो मेजर करता है कि आगे के व्हील का स्पीड कितना है. ओके, आगे का जो व्हील है मोटरसाइकिल का वो कितने स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है. ओके, एंड टेकिंग दैट व्हील स्पिन एज अ रेफरेंस पॉइंट पीछे के व्हील का जो व्हील स्पिन है वो भी मेजर हो जाता है, जो कि पीछे का व्हील स्पिन सेंसर रहता है उससे. एंड उन दोनों की जो वैल्यूज़ है व्हील स्पिन की वो वैल्यूज चली जाती है ईसीयू में एंड वहाँ पर ईसीयू कंप्यूट कर लेता है कि पीछे का जो व्हील है वो आगे के व्हील के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्पिन कर रहा है. ओके, एंड बाय कंपेयरिंग व्हील स्पिन ऑफ फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील इश्यू डिटरमाइन करता है कि रियर का व्हील स्पिन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, बिकॉज इंजन की जो पावर रहती है वो पीछे के व्हील पर ही जाती है वाया चेन. सो आप अगर जा रहे हैं उस कॉर्नर पे जहाँ पर ऑयल है या फिर यू नो ग्रेवल है तो आपका पीछे का टायर है दैट विल ट्राई टू यू नो ओवर स्पिन या फिर आप ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, यू नो अननेसेसरी ड्रिफ्ट. सो इन दैट सिचुएशन व्हील स्पिन की जो रीडिंग्स है वो जाएगी ईसीयू के पास, ईसीयू कंपेयर करेगा दोनों व्हील्स की व्हील स्पिन एंड वहाँ पर इट विल अकर टू ईसीयू कि अरे यार पीछे का व्हील तो आगे के व्हील से ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, मतलब पीछे जो है वो ट्रैक्शन लूज कर रही है मोटरसाइकिल. इन दैट सिनेरियो इश्यू क्या करेगा, जो भी इंजन की जो पावर साइकिल है उसको रिटार्ड कर देगा. तो जैसे कि आपको पता है कि फोर स्ट्रोक मोटर में चार साइकिल्स रहती है, जैसे कि
इंटेक, कंप्रेशन, देन पावर एंड एग्जॉस्ट। तो जो पावर साइकिल है स्पेसिफिकली, वो इंजन रिटायर्ड कर देता है, जिसकी वजह से इंजन पावर ही नहीं प्रोड्यूस करता। एंड रिगार्डलेस आप कितना भी एक्सेलरेटर दो, उस सिचुएशन में आपकी जो मोटर है वो इग्निशन रिटायर्ड करने लगते हैं, एंड उसकी वजह से रियर का जो व्हील स्पिन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड इवेंचुअली कंट्रोल में आ जाता है। एंड या जैसे ही आगे का व्हील और पीछे का व्हील दोनों भी एक वेलोसिटी में स्पिन करने लगते हैं, यू नो इश्यू जो है वो इग्निशन साइकिल बैक टू द रेगुलर मैनर में चलाने लगता है। सो बेसिकली दैट्स हाउ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो काम करता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्यों यामा वालों ने R15 वर्जन 4.0 में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, इवन दो इट इज़ 150cc मोटरसाइकिल। एंड अगर आपने इस बाइक के रिव्यूज़ देखे होंगे तो बहुत सारे जो यू नो ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट है उन्होंने सवाल उठाया कि 155cc मोटर वाली बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल की क्या ज़रूरत। एंड दिस इज़ वेरी लेजिट क्वेश्चन, कि मतलब आप भी सोच में पड़ जाओगे कि इतने छोटे मोटर में क्या ट्रैक्शन कंट्रोल की रियली ज़रूरत है। आई मीन इतनी छोटी मोटर में इतनी पावर भी है कि ये यू नो रेगुलर टारमैक पे यू नो ग्रिप लूज कर सके या फिर पावर ड्रिफ्ट करे। सो आंसर इज़ नो। आई मीन रेगुलर सर्कमस्टेंसेस में तो इतनी छोटी मोटर इतना पावर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती कि वो ट्रैक्शन लूज करे। सो व्हाई देन दिस मोटरसाइकिल हैव अ ट्रैक्शन कंट्रोल। आई मीन मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे, सभी तो नहीं देखे बट जितने भी रिव्यूज़ देखे, तो मोस्ट ऑफ यू नो रिव्यूअर्स लाइक आई मीन दिस इज़ वेरी स्केप्टिकल फीचर इन अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस क्लास। देन मैंने भी सोचा बहुत ज़्यादा इसके बारे में कि क्या रियली ज़रूरत है यामा R15 में ट्रैक्शन कंट्रोल की, क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी तो उतनी है। बहुत सारे लोग जो थे या फिर जो भी यू नो इंटरेस्टेड बायर्स जो थे, नए बायर्स बहुत सारे जो मेरे दोस्त वगैरह, ऑल वेयर एक्सपेक्टिंग कि लेटेस्ट अपडेट में यामाहा डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी यू नो 150 से बढ़ाकर नियर बाय 200 कर देंगे, बट वो तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इसको निगेटिव वे में ले सकते हैं या फिर पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो, जैसे कि यू नो बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो उतनी ही रहेगी या फिर इवन बढ़ भी सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बट रिगार्डलेस ऑफ ओपिनियंस यामा वालों ने उसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो उतनी रखी जितनी वर्जन 3.0 में थी 155cc। सो देर इज़ दैट। सो बैक टू द ट्रैक्शन कंट्रोल। सो क्या ज़रूरत है एक 150cc क्लास मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल की? ओके, सो इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एंड फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप बाइक को सिटी में चला रहे हो और अच्छे टारमैक पे चला रहे हो यू नो, तो ट्रैक्शन कंट्रोल की कोई ज़रूरत ही नहीं है मोटरसाइकिल में। ओके, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू पावर ड्रिप्स ऑन सच अ स्मॉल मोटर, और इवन इंडिया में इतने ट्रैक्स भी नहीं है कि लोग यू नो ट्रैक डे राइडिंग करेंगे इतनी ज़्यादा इस मोटरसाइकिल पे। बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, जितने ज़्यादा लोग इस मोटरसाइकिल को सिटीज़ में ख़रीदते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग इस मोटरसाइकिल को यू नो रूरल एरियाज़ में भी ख़रीदते हैं। एंड मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रूरल रोड्स पे या फिर स्ट्रीट्स पे राइडिंग का, एंड आई कैन डेफिनेटली सी पोटेंशियल ऑफ दिस स्पेसिफिक फीचर विच इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन दिस रूरल रोड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रोड है, आप देखिए कितनी अन इवन टारमैक है, ये कई जगह पर ख़राब पैचेस है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं और एक ये वाला। तो ऐसे जो गड्ढे वगैरह होते हैं, इन पर पैच वर्क किया रहता है, लूज पैच वर्क किया रहता है, तो इस पर से आप इजीली ट्रैक्शन लूज कर सकते हो। ओके, एंड स्पेशली जब बाइक एक यू नो
कॉर्नरिंग पॉइंट पे जब आप आते हैं एंड बाइक ने एक लीन एंगल पकड़ रखा होता है एंड उस टाइम पे अगर आप यू नो मोटर को पावर देना चाहोगे, इफ़ यू आर गिविंग मोर गैस टू द मोटर फॉर एक्सेलरेशन, देन ईजिली आप ट्रैक्शन लूज कर सकते हो इवन ऑन 150cc क्लास मोटरसाइकिल। सो आई थिंक यामा वालों ने बहुत ही एक्सटेंसिव मैनर में रिसर्च किया हुआ है हमारे यू नो इंडियन मार्केट्स का एंड स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि इंडियन डेमोग्राफिक्स का, कि क्या सिर्फ सिटी की पब्लिक परचेस कर रही है इस मोटरसाइकिल को या फिर यू नो रूरल एरियाज की भी पब्लिक परचेस कर रही है। सो डेफिनेटली मैं जैसे देख रहा हूँ तो बहुत सारे रूरल एरियाज में भी यामा R15 देखने को मिलती है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फंक्शन दैट यामाहा हैव इंट्रोड्यूस्ड इन R15 वर्जन 4.0। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर इन R15 वर्जन 4.0। लेट मी नो इन अ कमेंट कि क्या ये फीचर यूजफुल हो सकता है इंडियन बायर को, और इट इज़ जस्ट अनदर थिंग विच इज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल टू हाइक द प्राइज ऑफ दिस ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल। सो या थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।